नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत कमरे में पाए गए मृत, जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक जताया। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आसु संस्थापक सदस्य कमल किशोर भगत का लोहरदगा स्थित आवास में निधन हो गया। इससे पहले लोहरदगा सदर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद बिसरा को जांच के लिए रांची रिम्स भेजा गया। बिसरा जांच के बाद ही पूर्व विधायक की मौत का कारण स्पष्ट होगा। इधर लोहरदगा पुलिस की टीम नीरू शांति भगत का बयान लेने अस्पताल भी गई थी, लेकिन चिकित्सकों ने बयान लेने से मना कर दिया। चिकित्सकों ने कहा कि मरीज अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। उन्हें आईसीयू से एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। इलाज कर रहे डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि 2-3 दिन बाद छुट्टी दे दी जाएगी। लोहरदगा SP प्रियंका मीना ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। घटना को लेकर लगाए जा रहे कयास, जानकारों का कहना है कि कमल किशोर की तबीयत शुरू से ही खराब थी और वह हार्ट व डायबिटीज के मरीज थे। रात में खाना खाने के बाद वह पत्नी के साथ कमरे में सोने चले गए। साथ ही ठंड को देखते हुए बोरसी भी कमरे में रख ली थी। कयास लगाया जा रहा है कि बोरसी के धुएं के कारण उनकी मौत हो गई और उनकी पत्नी नीरू शांति भगत अचेत हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों से दुख की घड़ी में शक्ति देने की प्रार्थना की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।